देखो, आज जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेजेस। ये क्वेश्चन हमेशा परसेंटेज पे भी जरूर आता है, आज हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर है, हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर लेते हैं 100 पार्ट्स में और उसमें परसेंटेज लगा देते हैं। 100%, 100% रिप्रेजेंट करता है उसे पूरा, 50% 25%, 1/4 हो जाता है, 16 2/3 हो जाएगा, 1/6, 1/8 कितना होता है परसेंटेज में? शान और सना, 1/8 कितना होता है परसेंटेज के टर्म में? 12 1/2%। 12 1/2%, 1/12 परसेंटेज, 1/12 पार्ट कितनी परसेंट होगा? 8.3। वन बाई ट्वेल्व कितने पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा? वन बाई ट्वेल्व 12 पार्ट्स को करेगा ना रिप्रेजेंट। परसेंटेज, परसेंटेज में कितने परसेंट को कहूँ मैं? 1/12, जैसे हाफ को 50% कहा मैंने, 1/4 को 25 कहा, 1/6 को इतना कहा, 1/8 को इतना, 8.33 मतलब कितना आ रहा है सर? सेम सर, 1/12 इनटू 100 कर रही हूँ। 8 1/3, हम फ्रैक्शन के टर्म में ले रहे हैं, डेसिमल में नहीं जा रहे, ठीक है? ओके सर। जी सर। अब देखो, इस पर एक हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, जैसे कि पूछा है फाइंड 16 2/3% ऑफ 666.06, किसका पूछा है? 16 से डायरेक्ट 1/6 इनटू 666 इनटू 0.016 कर देंगे। अब एक तो परसेंटेज निकालते तो बड़ा लंबा, 50/3, ठीक है, इनटू 666.06 अपॉन 100, यानी 50 से हमने इसे किया 2 times, 3 से इसे किया तो ये हो गया 222.02, 2 से डिवाइड हो गया तो 111.01। लेकिन अगर हमें ये याद है 16 2/3 क्या रिप्रेजेंट करता है? 1/6। तो हमें डायरेक्ट क्या करना था? 6 से डिवाइड करना। यस सर। 1.0 याद। ठीक है, तो ये थोड़े yes, पढ़ेंगे, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो देखने में बहुत खतरनाक लगेगा क्वेश्चन, डायरेक्ट एकदम हो जाएगा। जैसे फाइंड 8 1/3% ऑफ, मान लो कोई बड़ा सा नंबर दे दिया 8956.24। अभी लग रहा है कि बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हमें ये याद है ये 8 1/3% क्या रिप्रेजेंट करता है? 1/12। तो यानी हमें क्या करना है? सिर्फ इसे 12 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक? तो ये तो कुछ मैंने बता दी, कुछ तुम थोड़ा खुद भी बैठ के देखना कि और भी कुछ ऐसी बन सकती है क्या, तो तुम्हें याद रखना। कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन के बाद के जो एग्जाम होते हैं नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब के, उसमें जरूर पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है?
तो अब हम शुरू करते हैं परसेंटेजेस पे क्वेश्चन. इन अ स्कूल ट्वेंटी परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 10 years of age. The number of students above 10 years of age is 2/3 of the number of students. Of 10 year of age, which is 48. Total number of students in the school are 150. Option B 100, option C 200, option D 300. ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा. स्कूल में दिया है 20% ऑफ स्टूडेंट क्या है, बिलो 10 ईयर ऑफ एज. अबव 10 ईयर ऑफ एज क्या है, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 10 ईयर ऑफ एज, विच इज 48. टोटल पूछा है, यानी इसमें देखो तीन टाइप के स्टूडेंट हैं, बिलो 10, 10 और अबाउट 10. 10 ईयर, 10 ईयर और अबाउट 10. यस सर. इनको टोटल इंफॉर्मेशन से देखें, कुछ हमें दिया है, ये तो दिया है 20% ऑफ टोटल. 10 ईयर वाले दिए हैं 48 और above 10 year वाले दिए हैं 2/3 of the this number of students of 10 years. 2/48 10 year वाले. Total पूछा है, total निकालना है. सर हम टोटल को एक्स रखेंगे, फिर इक्वेशन बना के करेंगे. इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कब इक्वेशन बना के करते हैं. पहले लेट यस सर टोटल स्टूडेंट हो गए एक्स, तो एक्स शुड इक्वल टू, पहले हम देख लें क्या क्या गिवेन है. एग्जैक्ट तो ये गिवेन है 48. देखिए 2/3 ऑफ 10 ईयर, यानी ये भी निकाल सकते हैं. यस सर, कब हो गया 2/3 ऑफ 48. बाय 3 इनटू 48 16 से आया, 16 टू द 30. ठीक, ये दो कैटेगरी तो हमें पता है. यस सर, यस सर. 20% ऑफ टोटल, यानी 0.2x लिख सकता हूँ. Yes, sir. That's 48 plus 32. 20% of total का मतलब क्या होगा? 20 upon 100 into x. Into x. 0.2. 20% को direct हम point में अगर लेंगे तो 0.2 लिख दिया करेंगे. Yes, sir. बस इससे अब x की वैल्यू आ जाएगी, तो सिंपल इक्वेशन है ये, इधर आया तो ये हो गया 0.8x = 80 आगे. ईशान यस सर, यस कैसे कर रहे थे, इक्वेशन बना के या ऑप्शन से?
सर वो एक्चुअली मैं अभी बीच में ना उठ के चला गया था, मैं कर नहीं रहा था अभी जब मैंने म्यूट किया था तो। ठीक है चलो, तो देखो ये हमने इक्वेशन बना के किया टोटल स्टूडेंट हमने, तो इस तरीके से ये आ गया 100। अब हम इसे अगर ऑप्शन देख लें एक बार, वैसे तो इक्वेशन से सिंपल था ये, फिर भी देख लें कि कैसे करते। हम ये मान लेते पहला ऑप्शन, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी 150। यस सर, ये इक्वेशन ये आनी चाहिए थी 150, बिलो 10 ईयर वाले किसके, इसका 20% यानी 0.2 इंटू 150 प्लस 48 प्लस 32, ये आपस में इक्वल होना चाहिए था। तो हम देखें ये कितना हो गया, 30 प्लस 80 110, यानी ये इक्वल नहीं आ रहा। यस सर, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा भी ट्राई करके देख लें। 100 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100 प्लस 48 प्लस 32, तो 100 इक्वल होना चाहिए 0.2 हो गया 20 प्लस 80, तो 100 इज इक्वल टू 100, यानी ठीक आ रहा इक्वेशन, यानी ऑप्शन ऐसे जल्दी हो जाएगा। इसी भी है, इसको जो ठीक लगे, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, जो जिसमें कंफर्टेबल है। ये तो ऑप्शन बी में मिल गया ना तुम्हें, अगर लास्ट में होता तो मैं तीन बार रख के देखना था, लेकिन जो जैसा दिमाग में आ रहा है वैसे करना है। ओके सर, नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, टू एम्प्लॉइज एक्स एंड वाई आर पेड अ टोटल ऑफ रुपीज 550 पर वीक इफ एक्स इज पेड 120% ऑफ वाई, हाउ मच वाई इज पेड पर वीक। ऑप्शन ए है रुपीज 250, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 350, ऑप्शन डी है 150। ठीक है, तो दो एम्प्लॉयज है एक्स और वाई। यस सर, इट अ टोटल ऑफ रुपीज 550 पर वीक, 550 उनका टोटल है, यानी पहली चीज हमें गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 550। सेकंड, एक्स इज पेड 120% ऑफ वाई, यानी एक्स को ज्यादा पे हो रहा है, और कितना ज्यादा हो रहा है, 20% एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी 120% ऑफ वाई। सर ऐसा कर सकते हैं, इस इक्वेशन में हमने x की जगह 120 अपॉन 100 y plus y is equals to 550 रख के सॉल्व कर लिया। One? 120 अपॉन 100 y मतलब 120% ऑफ y x की जगह रख के और फिर प्लस y और is equal to 550 रख के कर सॉल्व कर लिया। करो तुम इतने, ठीक है। दो एम्प्लॉयज हो गए एक्स वाई टोटल ये, और सेकंड हमें दिया है एक्स इज पेड 120% ऑफ वाई, यानी एक्स इज इक्वल टू 120% ऑफ वाई। तो 120% का देखो मतलब होता है ये इनटू वाई, यानी 1.2 वाई। सर ए वाला ऑप्शन 250। ठीक है देख लेते हैं हम, तो इसमें हम रख देते हैं x की जगह पर, यह आ गया था 1.2y, सेकंड इक्वेशन है ये फर्स्ट थी, 1.2y plus y is equal to 550, 2.2y is equal to 550, y is equal to
550 डिवाइड बाय 2.2, हम 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये हो गया 550 इनटू 10 अपॉन 72, 1150 हो गया 250. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 250. y पूछा था डायरेक्ट? यस सर. ये हमेशा ध्यान रखना कि किसका पूछा है, जब भी दो वेरिएबल होंगी x है या y है. जैसे इक्वेशन बनी तो डायरेक्ट y में बनी और ऑप्शन में भी हमें दिख जाएगा कि अच्छा 250 ये रखा 250, लेकिन यहाँ पूछा पता चला x था, थोड़ा ध्यान रखना इसमें. यस सर. ठीक है, तो ये हमने कर लिया और इसे डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी कर सकते थे. हम क्या मान लेते कि y को अच्छा 250 पे हो रहा है पहला ऑप्शन, तो y को पे हो रहा है 250, तो x को कितना पे होगा? 120 by 100 into 250, यानी 1.2 into 250, 300, और दोनों का सम 550 आना चाहिए. 550 आ रहा है, सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक है सना, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो हम दोनों तरीके से जहाँ जहाँ पॉसिबल है तो दोनों तरीके से करते हुए चल रहे हैं, ताकि वहां जब एग्जाम दो तो तुम्हें कुछ ना कुछ याद आ जाए कि अच्छा ऐसे करते हैं या ऑप्शन से करते हैं. क्लियर? यस सर. यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ वाई एंड b is equal to y percent of x, then a option, a is less than b, a is greater than b, a is equal to b, none. ये given है direct हमें. a is x percent of y एंड बी इज वाई परसेंट ऑफ एक्स, तो आपस में क्या रिलेशन होगी ए और बी के? ए लेस देन बी होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, ए इक्वल टू बी होगा, या ना कोई रिलेशन? सर हमें तो पता भी नहीं है एक्स कितना और वाई कितना. सर इक्वल, इक्वल टू बी, यही मीन सर. सर ए आ जाएगा एक्स बाय 100 वाई और बी आ जाएगा वाई बाय 100 एक्स, तो दोनों में कोई अंतर है नहीं. ठीक है, पहले हम इक्वेशन बनाते हैं. ए इज इक्वल टू एक्स परसेंट, एक्स परसेंट का मतलब एक्स बाय 100 बाय 100 ऑफ वाई ऑफ, तो हम रिप्लेस करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई से. यहाँ भी 10% ऑफ समथिंग, 20% ऑफ दिस, तो ऑफ का मतलब जब भी रिप्लेस होगा वो मल्टीप्लाई से होगा. यस सर. तो ये a की वैल्यू आ गई एक्स वाई अपॉन 100. यस सर. b बनाएंगे तो y परसेंट, यानी y अपॉन 100 इनटू x. तो देखो दोनों मल्टी. हां सर, ये भी सेम है. हां सर, c वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन c. इसमें हम कुछ वैल्यू भी अज्यूम कर सकते थे कि लेट a इज इक्वल टू 100 मान लो और b 200 मान लो. अब देखो वो, सॉरी ए भी नहीं, एक्स और वाई, एक्स 100 मान लो, बट ये बड़ी वैल्यू है, ए भी अज्यूम नहीं करना, हमें अज्यूम करना है एक्स और वाई. एक्स को हम छोटी वैल्यू ले लेते हैं मान लो 50 और वाई ले लेते हैं 20. तो ए क्या है? ए इज 50% ऑफ 20, x परसेंट ऑफ y है ना ये. यस सर. 50% ऑफ 20 कितना हो गया? 50% होता सर 10. अभी तुम्हें याद रखना पड़ेंगे 50% यानी हाफ फ्रैक्शन. यस. b b क्या हो गया? 20% ऑफ 50, 20% यानी 1/5, ये भी क्या आ गया? 10. तो ये ऐसे भी हो सकता है. यस सर. डायरेक्ट वाला मैं ऐसे ही सोच रही थी. ऐसे करो. ठीक, तो a इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ y और b y परसेंट, चाहे x बढ़ाओ y बढ़ाओ उससे कोई डिफरेंस नहीं है. आंसर क्या आएगा?
नेक्स्ट करते हैं। अ फ्रूट सैलर हैज सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% apples and still has 420 apples. Total apples are 700, B 500, C 460, D 750. ये बताना है। सर इसमें एक इक्वेशन बना सकते हैं क्या? जैसे अगर हम टोटल मान ले एक्स, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख के इसलिए तुम्हें टाइम दे रहा हूँ कि जो तुम्हें दिमाग में पहला हिट हो रहा है ना तुम वैसे yes, सर। अगर तुम इक्वेशन से लग रहा ऑप्शन से लग रहा हो सर मैंने हाँ सर उसके बाद तो हम डिस्कस कर ही लेंगे सर। सर मैंने टोटल अज्यूम किया कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एक्स है, फिर 40% ऑफ एक्स उसने सोल्ड किए और स्टिल बच गए, फिर उससे माइनस करना है टोटल से। लेट टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स। देखो वहां यहां सब ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, वहां सब हमारे टाइम बचेगा सीधे। ये तो मैं लिख रहा हूं कि लेट टोटल नंबर ऑफ एप्पल बी एक्स, हम तो सीधे इक्वेशन बनाएंगे वहां पर। तो अब एक्स तो हो गए टोटल, अब क्या हुआ? He sells 40% of apples. ये उसने सेल कर दिए। 40% of x means 0.4x. ये वाला ऑप्शन 700. और रिमेनिंग हमें दे रखे 420. Yes sir. क्या इक्वेशन बनेगी? 0.4x plus 420 is equals x, उसमें से 0.4x सेल हो गए और जो रिमेनिंग बचे थे 420। हां सर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया 0.6x 420, x = 700। हां सर ये वाला ऑप्शन। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 40% सेल हो गए तो 60% इक्वल टू दिस होना चाहिए। यही इक्वेशन बनी 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 420। ऑप्शन से करते तो हम ये मानते टोटल इज 700। पहला ऑप्शन लिया हमने ऑप्शन ए, टोटल इज इक्वल टू 700, 40% सेल हो गए, इसका 40% होगा 280, तो रिमेनिंग कितने बचे? 700 माइनस 280 420। यस सही आ रहा है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है यस सर। चलो नेक्स्ट हम करते हैं if 18% of x is equal to 15% of y then 12% of x is equal to what percent of y? ये पूछा है। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 14%, ऑप्शन डी है 15%। इस बार भी हमें x y कुछ गिवन नहीं है, सीधे रिलेशन ही गिवन है कि 18% ऑफ x
इक्वल टू 15% ऑफ y. तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ y? ये करना है. कैसे करें? सिर्फ फ्रैक्शन रेशियो निकाल सकते हैं हम शायद x by y का, फिर शायद जी इक्वेशन बनेगी 18/100 x is equal to 15/100 वो सॉल्व करके 6x = 5y आएगा. हाँ हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही. नहीं मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन खुद से भी अटेम्प्ट करो, करो कोशिश अभी. ओके ओके सर, ओके सर. So B वाला ऑप्शन 10. ऑप्शन B 10%. Yes. कैसे किया इक्वेशन बनाई, अज्यूम किया, कैसे करा? नहीं सर मैंने डायरेक्ट किया, मैंने किया कि 18% बराबर है 15% के, तो 1% कितने के बराबर होगा और फिर 12% कितने के बराबर होगा. सर इक्वेशन से मतलब ये कहा नहीं रहा था तो मैंने ऐसे 15% ऑफ x इज इक्वल टू 15% ऑफ y, देन 1% ऑफ x विल बी इक्वल टू 15/18% ऑफ y. अब पूछा कितना है 12. 12% of x is equal to 15, अब 12 multiply हो जाएगा. सर मैंने भी ऐसे किया था, मैं सॉल्व करी थी बस. ठीक है यही सबसे इसका शॉर्टकट था, और दूसरा तरीका थोड़ा मेहंदी बैठता. तो 6 3 18, 2 3 5 15, 5 2 10, तो ये हो गया 10% of y. ऑप्शन बी. एक मेथड हम ये ले सकते थे इसमें कि हम कुछ एज्यूम कर लेते, लेट x इज इक्वल टू मान लो 100. ठीक ये थोड़ा लेंदी है लेकिन मैं समझाने के लिए फिर भी बता देता हूँ कि और yes, कैसे हो सकता है ये. तो 18% ऑफ 100 इज इक्वल टू 15% ऑफ y. तो 18% ऑफ 100 हो गया 18, मतलब 200 अपॉन 100, ये हो गया 15 अपॉन 100 y, ये गया कैंसिल, हो गया 18 इनटू 100 अपॉन 15 इक्वल टू y. 3 से 6 5 20, तो y की वैल्यू आ गई देखो 120. तो अगर हम x को 100 एज्यूम कर लें तो जो गिवन रिलेशन है उसके हिसाब से y की वैल्यू होगी 120. यहाँ देखो हमने दोनों को एज्यूम नहीं किया, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना कि yes, sir. x परसेंट ऑफ y एंड b इज y परसेंट ऑफ x, तो वहां हमने x y दोनों एज्यूम किए थे, यहाँ सिर्फ एक किया. क्योंकि यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि 18% ऑफ x शुड इक्वल टू 15% ऑफ y, यानी x और y आपस में रिलेटेड है. अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y भी चेंज होगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक को एज्यूम करके दूसरे की वैल्यू निकाल ली. ठीक
यस सर, तो x हो गया 100 और y हो गया 120. अब देखो 12% ऑफ x यानी 12% ऑफ 100 इसकी वैल्यू हो गई 12, यानी 12 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ y? 12 कितना परसेंट है ऑफ y, ये निकालना है. तो हम कैसे करेंगे, 12 डिवाइड बाय y कितना है, 120 into 200% बनाने के लिए. तो 1/10 दिस कितना आ गया, 10%. तो ये हम ऐसे एज्यूम करके भी कर सकते थे, लेकिन ये इसका सबसे सिंपल मेथड है. इसमें हमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी, किसी से कोई मतलब नहीं, सीधे हमने आपस में क्या कर दिया, रिलेट कर दिया. 18% के बराबर है, तो 12% कितना होगा, 10%. ठीक, यस सर. या इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, 18% 15% है. अगर और सिंपलीफाई कर देता तो ये हो जाता 6% इज 5%. अब ये पूछा था 12, यानी इसका डबल हो रहा, तो कितना होना चाहिए था, 10%. सीधे सीधे परसेंटेज में ही करते हैं, ये यही चीज की है, बस मैंने यहाँ एक्स वाई हटा दिया तो ये और सिंपल लग रहा है. क्लियर है? यस सर, यस सर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. इफ अ प्राइस of a computer is 20% less than the price of laptop, then price of laptop is how much percent more than the price of computer. Option A hai 20%, option B hai 25%, option C hai 30%, option D hai 35%. ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं. पहले हम प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 20% द प्राइस ऑफ कंप्यूटर. दो हमारे पास प्रोडक्ट है, कंप्यूटर और लैपटॉप. कंप्यूटर चीपर है लैपटॉप से, कितना, 20% अब वो पूछ रहा है, देन प्राइस ऑफ लैपटॉप इज हाउ मच परसेंट मोर, कितना ज्यादा है. 20% ही हुआ सर. Then the price of computer. कितने, 20? हाँ सर, मतलब 20% कंप्यूटर महंगा है तो 20 नहीं होगा. कैसे सर? 20 नहीं होगा. ये याद रखना, अगर इस तरीके की रिलेशन होगी, कोई नंबर किसी से 20% कम है तो वो उससे कितना, एग्जैक्ट 20 नहीं होगा कभी. अच्छा हाँ सर, उसका प्राइस बेस चेंज हो जाता है. देखो यहाँ पर हमने कहा प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज लेस देन प्राइस ऑफ लैपटॉप, तो हमने बेस ले रहे थे लैपटॉप को. यस सर. अब हम अगर यहाँ पूछेंगे प्राइस ऑफ लैपटॉप इज हाउ मच देन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर, तो अब बेस बन जाएगा कंप्यूटर. कंप्यूटर, हाँ सर. तो इसलिए परसेंटेज चेंज हो गया, सॉल्व करना पड़ेगा.
आई कुछ परसेंटेज कर रहा हूं। गलत हो गया ऐसे कर रहा हूँ, इक्वेशन बना रहा हूँ या कुछ एज्यूम कर रहा हूँ? सर मैंने तो सबसे पहले लिखा कि कंप्यूटर प्राइस को मैंने एक्स मान लिया और लैपटॉप के प्राइस को वाई मान लिया, तो एक इक्वेशन ये बन गई मेरी कि एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 20/100y, 20% लेस बोला है, तो मेरी वाई की वैल्यू आ गई 5/4x। दूसरी इक्वेशन बन रही है वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, और उसमें वाई की जगह वैल्यू डाल करके सॉल्व किया तो पता नहीं 4% आ रहा है, गलत है 4%। हाँ सर चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। सना कुछ बना आंसर? सर मैंने भी बस इक्वेशन बनाई और फिर नेक्स्ट नहीं कर पाई। देखो जब भी ऐसे परसेंटेज परसेंटेज हो ना, ज्यादा इजी मेथड ये है कि किसी के प्राइस को 100 मान दो, नॉर्मली जो कम होता है उसे हम 100 लेते हैं ताकि हमें सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़े, एडिशन ही करना पड़े। लेट प्राइस ऑफ कंप्यूटर बी रुपीज 100, 100 रुपीज ले दे, तो प्राइस ऑफ लैपटॉप कितना हो जाएगा? 120। अच्छा, सॉरी, हाँ लैपटॉप दे रखा है हमें 20% लेस देन प्राइस ऑफ लैपटॉप। हाँ लैपटॉप से चलो रिलेटिव टू लैपटॉप, इसलिए हमने लैपटॉप, तो कंप्यूटर हो जाएगा 20% लेस यानी 0.80। तो पहली चीज तो हो गई। अब पूछा है प्राइस ऑफ लैपटॉप इज हाउ मच परसेंट कॉस्टलियर या मोर देन प्राइस ऑफ लैपटॉप, परसेंटेज लैपटॉप कॉस्टलियर, ये परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्राइस का डिफरेंस कितना है? 20% का 100 माइनस 20 रुपीज, यस सर, सी अपॉन बेस क्या लेंगे अब, देन द प्राइस ऑफ कंप्यूटर 100 सॉरी 80 इनटू 100। ये हो जाएगा 1/4 × 100 यानी 25%। वाला ऑप्शन यस सर। सर ये क्वेश्चन फिर से समझाइए। नहीं मैं समझा रहा हूँ, देखो देखो मान लो दो लोग हैं ए और बी, ठीक, ए का वेट है yes, और बी का वेट है 75 kg, ठीक है। अगर मैं पूछूं ए इज लाइटर देन बी बाय हाउ मेनी केजी, तो तुम कहोगे 25, क्लियर? यस सर।
यस सर then a by how much kg tab bhi tum kehte 25 kg theek hai ye relation samajh mein aati hai kitna weight yes, sir. kitna weight zyada hai zyada hai wo to absolute matlab unit ke term mein agar hum kahe kg ke term mein to dono cheeze same hongi ki wo 25 yes sir aur iska 25 kg weight zyada hai लेकिन परसेंटेज में चीजें चेंज हो जाती हैं परसेंटेज ऑफ ए लाइटर देन बी कि ए कितना परसेंट कम है बी से तो हम डिफरेंस लेंगे लेकिन यहां जो 100% बनाने के लिए जो बेस लेंगे बेस क्या होगा कंपैरिजन में पूछ रहा है 75 बी के अकॉर्डिंग यानी हम ये पूछ रहे हैं ए कितना कम परसेंट कितना वेट कम है उसका बी के कंपैरिजन में तो ये हो जाएगा सर तो 1/3 यानी लगभग 33% के अराउंड आएगा तो ए का वेट बी से कितना कम है लगभग बी का 33% के करीब ठीक यस सर बी के रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं कि ए कितना कम है 33% यानी 1/3 के करीब कम लेकिन मैं ये पूछता बी हैवियर देन ए कि कितना परसेंट बी हैवी है ए से तो डिफरेंस तो सेम रहता अभी भी लेकिन बेस अब क्या हो जाता तो 50% यानी बी जो वो ए से 50% है क्योंकि ए का वेट देखो खुद 50 है तो उसका 50% यानी 25 किलो और ज्यादा है बेस चेंज होने की वजह से ये परसेंटेज चेंज हो जाती है चीज वही कोई ज्यादा या बड़ा नहीं है लेकिन क्योंकि एक वैल्यू कम है और एक वैल्यू ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा परसेंटेज चेंज हो जाएगी 25 केजी जो है वो 75 का 33% है और यहाँ पर 25 जो है 50 केजी का 50% है इसलिए अगर हम बी को हैवी कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए तो हम कहेंगे 50% हैवी है और ए लाइटर देन बी है तो हम कहेंगे कि वो 33% लाइटर क्लियर हुआ जी सर शान यस सर यही चीज यहाँ हो रही है यहाँ कंप्यूटर है और लैपटॉप है कंप्यूटर और लैपटॉप तो अगर हम 100 एज्यूम करके चलना है तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 तो अगर ये पूछा कॉस्टलियर देन प्राइस ऑफ कंप्यूटर तो हम 20/80 लिख के निकालना है परसेंटेज तो आ रही है 20 यस सर यानी लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर की जो कॉस्ट है उसका 25% कॉस्टली है और लैपटॉप का निकालते तो हो जाता 20/100 × 100% यानी 20% यानी कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप से 20% चीपर है तो देना पड़े शुरू यस सर दोनों को जब रिलेटिव हमने किया तो चेंज हो गए लेकिन एब्सोल्यूट या हम टोटल कॉस्ट या टोटल वेट या जो भी निकालेंगे तो डिफरेंस सेम रहेगा वो चाहे तुम लैपटॉप में से कंप्यूटर माइनस करो या कंप्यूटर में से लैपटॉप प्राइस का डिफरेंस 20 रहेगा ठीक क्लियर हुआ ये यस सर ठीक है ईशान सेम परसेंटेज नहीं yes, sir. याद रखना If price of a commodity is increased by 25%, then
हाउ मच परसेंट मस्ट बी मस्ट आ हाउस होल्डर शुड रिड्यूस कंजम्पशन सो टू नॉट इंक्रीज द ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 30%। ये है इस बार क्या है कि कोई कमोडिटी है उसके प्राइस इंक्रीज कर गए कितने 25%। उस कमोडिटी उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन कितना परसेंट कम कर दे ताकि हमारा बजट एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो, सेम रहे। तो इसका आंसर आएगा 20%। 20% मैंने फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट हो गया। सना सर अभी सॉल्व नहीं किया। चलो पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं फिर डायरेक्ट फार्मूले से भी कर लेंगे। हम भी ओके सर एट प्राइस मान लेते हैं ₹100। ठीक है ₹100 इनिशियल प्राइस है, अब इंक्रीज कर गए तो न्यू प्राइस कितना हो गया 1.25। अब हमें कंजम्पशन देखना है कितना कम करना है ताकि जो एक्सपेंडिचर था हमारा वो सेम रहे। तो देखो इंक्रीज कितना हुआ है 25%। 25% मतलब टर्म में, एब्सोल्यूट टर्म में कितना है 25। न्यू कितना हो गया 125। तो हमें रिडक्शन जो करना है वो 25 का करना है और कितने प्राइस पे करना है 125। यस सर ये हो जाएगा 20%। यानी ऑप्शन बी। यस सर 20% हम एक्सपेंडिचर कम कर दें तो हो जाएगा। हमने डायरेक्ट जो इसमें फार्मूला यूज होता है वो ये है रिक्वायर्ड रिडक्शन इज इक्वल टू क्या लगाया था फार्मूला मैंने लगाया था 25 100 प्लस 25 200। ये क्या फिर से बोलना ईशान 25 अपॉन 100 प्लस 25 into 100। ठीक है तो इसमें जो हम फार्मूला लगाते हैं वो ये होता है न्यू प्राइस जो भी थे माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन न्यू प्राइस इनटू 100%। यानी अगर जैसे यहां कितना बढ़ा 25 की जगह मान लो 40% बढ़ जाता तो क्या होता न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस 40% को हम लिख लेते 1.4x माइनस x अपॉन 1.4 into 100%। तो ये हो जाता 0.4 अपॉन 1.4 इंटू सर जो भी वैल्यू आती वो हमारा हो जाता रिक्वायर्ड रिडक्शन। जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो भी यूज कर सकते हैं है ना। ये चीज है ये तुमने भी ये ऊपर जो लिखा है ये डिफरेंस लिखा है सर और नीचे जो है ऐड कर दिया ना
वही चीज है। तो ये डायरेक्ट रिडक्शन का हम एज्यूम हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कोई भी परसेंटेज हो उससे आ जाएगा। हेलो, आ रहा है आंसर? यस सर, जी सर। चलो एक और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फिर आज। इफ CO2 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ oranges Seema can buy ठीक है। क्या दिया है सबसे पहले तो कि डिक्रीज हो गया है प्राइस में, कितना यानी पहले जितना लेती थी उससे 5 केजी ज्यादा मोर ले सकती हूँ। तो पूछा है केजी मोर ऑरेंजेस ₹100, ये भी दिया। देन फाइंड एक्चुअल प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। ऑप्शन ए है ₹5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 8। एक्चुअल प्राइस पूछे हैं। यस सर। केजी नहीं होगा वो, 5 ऑरेंजेस मोर होगा। केजी में तो फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा, कितने केजी में कितने ऑरेंजेस हैं। हां 1 केजी। हां ड्यू टू 20% डिक्रीज इन प्राइस ऑफ ऑरेंजेस सीमा कैन बाय 5 मोर ऑरेंजेस इन रुपीस 100। अगर रुपीस 100 में पहले जितनी आती थी उसमें 5 और एक्स्ट्रा खरीद सकते। जब प्राइस कितना कम हो गया, एक ऑरेंज का प्राइस कम हो गया 20%। तो एक्चुअल प्राइस यानी जो पहले प्राइस थे गोल्ड प्राइस वो पूछ रहा है। यस सर, यस सर। सर जो 20% डिक्रीज हो गया टोटल ऑरेंजेस पे हुआ है। नहीं, टोटल क्या मतलब, एक प्राइस, एक ऑरेंज का प्राइस लेके चलो तुम तो, मतलब एक पे 20% करो या सब पे 20 करो एक ही बार। यस सर। ऑरेंजेस का एक ऑरेंज का ही पूछा है। तो एक तो या तो हम इक्वेशन बना ले, लेट एक्चुअल प्राइस ऑफ ऑरेंज बी एक्स, जो निकालना है हमें एक्चुअल प्राइस उसे हमने मान लिया एक्स। हाँ सर, मैंने ऐसे ही किया। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो पहले आ सकती थी वो कितनी थी? 100 100 अपॉन एक्स।
कितनी आएंगी, एक ऑरेंज मान लो 10 रुपए की है तो 100 डिवाइड करेंगे ना 10 से, अब क्या हो गया 20% डिक्रीज हो गया प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस। तो न्यू प्राइस कितना हो गया, पहले x का 20% डिक्रीज हुआ तो x माइनस 2100x यानी 0.8x। हाँ सर। नाउ न्यू नंबर ऑफ ऑरेंजेस, अब कितनी ऑरेंजेस आ सकती हैं, वो आ सकती है 100 सर, 0.8x। ये दो इक्वेशन आ गए। अब 100 रुपीज में कितनी ऑरेंज आएगी, 100 अपॉन 0.8x, इक्वेशन क्लियर हुई दोनों फर्स्ट सेकंड? हाँ सर इक्वेशन क्लियर हुई, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और अब गिवन क्या है, सीमा कैन बाय 5 मोर ऑरेंजेस, यानी सर 100 अपॉन x प्लस 5 हो जाएगा, यानी ये जो न्यू है ये ज्यादा हो गए माइनस, तो पहले की पहले तो 5 आना चाहिए। यस सर, बस इसे सिंपलीफाई कर लो, x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो बताओ कितना आ रहा है। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, 100 कॉमन लो, ये हो जाएगा 10 अपॉन मीटर माइनस 10 अपॉन x इक्वल टू 5 20 ठीक है। इधर सर आपने 100 अगर कॉमन लिया तो वो सुना सर, आपने 100 कॉमन लिया ना, अच्छा सर सर ठीक है ठीक है जी सर, आपने आपने 0.8 को भी चेंज कर दिया, ठीक है सर। ये है 10 हो जाएगा 5/2x माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/20, इसका एलसीएम हो जाएगा 4x 5 माइनस 4 पहला ही ऑप्शन आ रहा आया, ये आंसर गलत हो गया मेरा बीच में, लेकिन आ जाएगा ना। चलो ये देखो, अब देखो दूसरे मेथड से अगर हम करते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज ये सोचनी चाहिए कि जब यहाँ नंबर ऑफ ऑरेंजेस की बात हो रही है तो ये हमेशा क्या होगा, एक पूरा नंबर होगा, हाँ होल नंबर होगा, फ्रैक्शन वगैरह कोई नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन कर ले, फिर अगर एक्चुअल प्राइस हम मान लो मैं 10 से शुरू कर रहा हूँ, हम पे बी ऑप्शन से शुरू कर रहे हैं, एक्चुअल प्राइस हम मान ले मतलब ओल्ड वाले भी रुपीज 10 ठीक, तो 100 रुपीज में कितनी ऑरेंजेस आ जाएंगी, 10 नंबर्स ठीक है, 10 रुपए की एक की, पहले तो 100 रुपए में कितनी आ गई 10, अब न्यू प्राइस कितने हो गए, न्यू प्राइस इसका 20% कम हो गया, यानी अब कितने हो गए रुपीज 8, तो अब 100 में कितनी आएंगी, 100 अपॉन 8 मतलब 12 पॉइंट कुछ आ रहा है, वो चीज
सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब अगर ऑप्शन ए लेते हम, एक्चुअल प्राइस लेते 5, तो 100 रुपीज में कितनी हो जाती, 20। भाई एक ऑरेंज 5 रुपए की है, तो 100 रुपए में कितनी होगी, 120। अब न्यू प्राइस कितना हो गया, 20% इसका कम, यानी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो 4, 100 रुपीज में कितनी हो जाएगी, 100 by 4, 20। हम डिवाइड करेंगे, पता चला नंबर बन नहीं पा रहा, फ्रैक्शन व्रैक्शन नहीं आगे, तो डिवीजन वाला ज्यादा आसान है। Yes, sir. इक्वेशन अभी जो करो तो अभी इक्वेशन भी बनाओ और ऑप्शन से भी करके देखो, अभी ऐसी करते हुए चलो, आज की क्लास एंड करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।